लिए, बहुत कुछ ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर भी समझ ही लिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हाँ समझ जी, लिए, कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कंप्लायंस प्रोसीजर ग्रुप में लिखे, क्या होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा वो लोग, वो टिपिकल नहीं पूछेगा, वो लोग पूछेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ क्या होता है, ये प्रोसीजर बताओ क्या होता है, जो अपने ऑडिट में पढ़ के आए ना वही पूछ लेते हो लोग, क्या होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, दो ही प्रोसीजर होता है सब्सटेंटिव और कंप्लायंस, कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है ग्रुप टेस्ट में ऑफ लिखे कंट्रोल, पूरा। हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ वेरी गुड, पहले कंट्रोल, आप लोग आई एम इन डेलीगेशन लिखिए ऑफ फटाफट, ड्यूटीज। हाँ फटाफट आप लोग आई अच्छा एम लिखिए, आई एम इन लिखिए फटाफट कि हाँ कोई छूटे नहीं, पहले आई एम लिख दीजिए, फटाफट लिखिए सब जन, हाँ फटाफट सब जन लिख दीजिए फटाफट, हाँ कितना लोग है, 12 लोग, 12 लोग का चाहिए, 1 2 3 4 लिखे है बस, फटाफट लिखिए, हाँ ठीक है वेरी गुड, ठीक है तो एनालिटिकल प्रोसीजर और कंप्लाइंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लाओ व्हाट इज योर, आर यू टेल मी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोला कंप्लाइंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का 2 पार्ट्स होता है, क्या होता है दो पार्ट्स, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ओके कंट्रोल डिजाइन में क्या करेगी अपना, वॉक वॉक थ्रू एंड थ्रू, आर सी एम, प्रोसेस प्रोसेस एंड वॉक थ्रू एंड आरसीएम, रिस्क ठीक है आर वेरी सी गुड, कंट्रोल मैट्रिक्स आरसीएम, प्रोसेस। आरसीएम क्या होता है, व्हाट इज आरसीएम, वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट हाउ द प्रोसेस स्टार्ट टिल द एंड एंड वी नोटेड इन आवर एक्सेल शीट। ओके व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन आरएसएम, आरसीएम मॉडल, आरसीएम मैट्रिक्स क्या क्या होता है, सो कंपोनेंट्स क्या क्या है आरसीएम मैट्रिक्स का, कंट्रोल प्रोसेस, सब प्रोसेस, हाँ और क्या होगा बताओ, अच्छा आइडेंटिफाई प्रिवेंशन, कंट्रोल कंट्रोल डिटेक्शन कंट्रोल करेक्शन, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन कंट्रोल्स, और क्या होगा, वीडियो ऑन करिए ना वंशी का, रिस्क मुस्कान, कंट्रोल तरुण, वीडियो ऑब्जेक्टिव। ऑन करिए, इंटरवल मत लीजिए, ठीक है क्या होता है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, नाम में सब कुछ है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, पहले रिस्क सर, होगा व्हाट आर द प्रोसेस रिस्क, व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द का, रिस्क कंट्रोल्स इन एंड द ये प्रोसेसेस कंट्रोल्स, रिस्क है इसका कंट्रोल है, कंट्रोल का कंट्रोल्स। ओनर कौन है, कंट्रोल का रिव्यू कौन करेगा, ये रिस्क है इसका कंट्रोल है, कंट्रोल का ओनर ये है, कंट्रोल का रिव्यू ये करेगा, एंड रिव्यू करने के बाद क्या करेगा, कंट्रोल का ये मैनुअल है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल है, कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली वीकली मंथली क्या है, कंट्रोल कैसा लगाया लोग ने डेली वीकली मंथली, उसके बाद क्या करेगा, देखा राशि कितना फटाफट नोट कर उसके बाद सैंपल सिलेक्शन होगा। गुड गुड, ठीक है फटाफट नोट करिए ऐसे करके, ठीक है तो रिस्क होगा कंट्रोल होगा, रिस्क होगा तो प्रोसेस का रिस्क होता है, रिस्क का कंट्रोल होता है, कंट्रोल का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कंट्रोल का प्रोसेस ओनर होगा, प्रोसेस ओनर का रिव्यू करने वाला होगा, ये प्रोसेस जो रिव्यू हो रहा है, फिर इसका ये जो कंट्रोल लगाया है, ये कंट्रोल वीकली बेसिस फॉलो होता है, मंथली होता है, क्या है वो हम लोग जानेगा, और उसका क्या कहता है कंट्रोल ऑटोमेटेड है कि मैनुअल है वो भी पता लगाएंगे, बस ये सारा चीज टेबल में जाता है, बस ये सारा चीज ही जाता है टेबल में, एक और रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आप लोगों को दिखाता है, दूसरा दिखाता है सर, दूसरा रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है ठीक है अच्छा दिखाएगा दूसरा, हाँ दूसरा था ये वाला रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, तो बड़ा चार्ट बना दी बहुत, देखते हो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स छोटा बनाया है क्या, आईएफसीआर सर टेस्टिंग एक का दिमाग, सर एक कंपनी में सारे प्रोसेसेस का होता है ऐसे मैट्रिक्स। सारा का होता है, यार अच्छा है इसका, हम दिखा था मैनेजर है ये, ठीक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आईसीएफआर, एवरी ऑर्डर हैज टू रिपोर्ट ऑफ दोस आईसीएफआर, तो आईसीएफआर आर देयर और नॉट इसको सॉरी का देयर विथ कंट्रोल रिपोर्ट मैट्रिक्स देखेगा, हाँ प्रेजेंट हैविंग अ कंट्रोल बट द कंपनी इज नॉट हैविंग अ ये प्रॉपर देखिए मेथड दिख रहा है कितना वेयरिंग, इजी है ना, ये यही है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, दिख रहा है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स आपको, सर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, कंट्रोल इज बीइंग इफेक्टिव इन द कंपनी एंड देन इन दैट केस हैविंग कंट्रोल इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस,
So to test that control, what we can do is we can take the sales register of the entire company or the entire 12 months or maybe the lesser period which we are doing for the testing part. Then we can just take a random sample of the bits. We can ask that, please, can you please show us the PO for the same sale? And with regard to this PO, can you just show us the approval from the company in sales head or maybe the CEO that this sale was actually accepted by us, this purchase order was actually accepted by us, that we will be meeting the sale requirement. And once we check that, we will get to know that this obviously this is this control is operating effectively or not. The other risk in this area can be, in this particular process, can be inappropriate credit limit fixation. When we get a customer, we generally Really, prepare a screenshot customer master maybe. wherein we just book a credit limit of that particular customer. And there can be a case that the particular customer is not the real customer. When we get a customer, we generally ठीक है, ये होता है रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। ओ टू सी साइकिल का ऐसे साइकिल होता है अलग अलग, तो ओ टू सी का ये रिस्क है, ये कंट्रोल है, ये वाला ऐसे याद रखने वाला चीज है, समझे। यही चीज आपको लोगों को यहाँ पर मैं बोलना है, वहां पर मैं वो तुमको सर उधर पूछेगा। हेडिंग, सर 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 हेडिंग में लिंक आई दे दीजिए ना पी ग्रुप लिखा में। दे रहे, ये पूछता है ये लोग, ग्रुप ही नहीं बोल रहा है इतना। ये हो गया, कहाँ गया, हाँ ये देख रहे हैं ना, इसे छोटा छोटा सा लगता Where है, customer master, wherein we दिख रहा है ना। book credit limit of that particular customer, and there can be a case that the particular customer is not. बेसिकली क्या है ये देखिए, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क कंट्रोल, कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी क्या है, कंट्रोल का क्या डॉक्यूमेंट्स है, ऑटोमेटेड है कि ये है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम लोग को रिक्वायर है, टेस्टिंग क्या क्या किए, ये बेसिकली रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स है। अब इसको तो बड़ा भी कर सकता है, कोई छोटा लेता है, कंट्रोल ओनर डाल दिया, कंट्रोल वो डाल दिया, तो बड़ा छोटा कर दिया, पर यही बेसिकली आपका होना चाहिए। इतना भी आप ज्ञान दे देंगे ना सीएफरेसर में, वो पूरा खुशी हो जाएगा ज्ञान सुन के। बेसिकली क्या होगा ना, वो तुमको फिर ना पूछेगा कि ओ टू सी में क्या रिस्क है, वो कंट्रोल बताओ। ओ टू सी का रिस्क क्या है, ओ टू सी का ये क्या है, पी टू पी का रिस्क क्या है, पी टू पी का कंट्रोल क्या है, ये प्रॉब्लम है। ये वाला वो तुमको पूछेगा, फिर इसके अंदर घुस के वो ये पूछेगा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि ओ टू सी का क्या रिस्क है, ओ टू सी का ये क्या है। जैसे इसमें लिखा है ना अनऑथराइज सेल कमिटमेंट्स, अनऑथराइज सेल कमिटमेंट्स ये आपका रिस्क है, राइट। ये देखो बड़ा कर लेते हैं इसको, अनऑथराइज सेल कमिटमेंट रिस्क है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्यूली अप्रूव्ड, हम लोग देखना है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली अप्रूव्ड है। इन अप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट फिक्सेशन, क्रेडिट लिमिट इज ड्यूली अप्रूव, सब में अप्रूव अप्रूव का बात आ रहा है, ठीक है। डेली होगा, सेल्स रजिस्टर चेक किया, ये सब आप एक ही बॉम्ब पढ़ लेना। क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल, पूछता ही है बहुत। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, ग्रुप में लिख लीजिए, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है लिख लीजिए ग्रुप में, बॉम्ब, BOM, रॉ मटेरियल वगैरह आता है ना उसका बिल ऑफ मटेरियल लिख लीजिए ग्रुप में। हाँ BOM क्या होता है, बॉम्ब, BOM लिख लीजिए, बॉम्ब, ये पूछता है बहुत ज्यादा। बिल ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल लेते हैं ना, वही हो गया बॉम्ब, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कोई, परचेज ऑर्डर ये सब चीज डॉक्यूमेंट्स अपना चेक किया, तो अपना ये सेल्स रजिस्टर वगैरह, परचेज ऑर्डर, बॉम्ब एंड आइटम थे किसी रिपोर्ट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, क्रेडिट टर्म्स और मेंशन इन परचेज ऑर्डर, वी आर चेक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस रिफाइड, ये सब चीज आपको ये सब एग्जाम से एकदम पढ़ लेना है। तो जो भी दिखा है ना, देखिए रिक्स ऑफ डुप्लीकेट इनवॉइसेस, घोस्ट कस्टमर क्रिएशन इन एडवांस, इन अप्रोप्रिएट फॉलो अप ऑन द रिसीवेबल्स, देखिए डेटा कलेक्शन ट्रैकर, ये सब उसका ज्ञान दे देना है। देखिए ओ टू सिक्स का कोई पूछा ना, ओ टू सिक्स कोई बोला ऑर्डर टू कैश का रिस्क क्या है, ये रिस्क है, ऑर्डर टू कैश का कंट्रोल क्या, ये कंट्रोल है। ये क्वेश्चन आपको इंटरनल ऑडिट में भी पूछ लेते हैं लोग, इंटरनल एक बार, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम वो रखना है, ठीक है, रिक्स ऑफ ये याद रखना, और ये करके ये रहा इन एडुकेट फॉलो अप ऑन द रिसीवेबल्स, ठीक है। वी हैव वेरीफाइड दिस कोड्स एंड वी हैव ऑब्टेन द एवरीथिंग, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, काम हमें आएगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट। ये लोग आ जाते हैं देख बदली ना। चलिए समझ गए ना, तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स हो अच्छा गया। बताओ, करोड़पति बना रहा है वो। ठीक है, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स कौन बताएगा? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स नाउ चतुर्वीर, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स वी गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
risks which can be there in the processes, for example, P2C, procure to pay, order to cash, and all the processes, what risks can exist. And we gain all the understanding from the employees or people of the organization which we are auditing, and we prepare an action sheet towards that. And then we inquire about what controls are placed to mitigate those risks. Risks, and what is the risk? What is the control made by the business? Whether this control is appropriate or not. So control का हम लोग देख लेगा, control appropriate है, control का owner कौन है, तो basically risks देख रहे हैं. Risks क्या है? आग लग सकता है, तो इसके लिए क्या लगाया control, fire extinguisher. Control का owner कौन है, control का reviewer कौन है, ये control ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये basically आपको main वो करना है. बस risks क्या है, ये control लगाया, ये control काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंट्रोल का ओनर कौन है, कंट्रोल का रिव्यूअर कौन है, कंट्रोल का इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ज्यादा माथापच्ची नहीं है. हु इज द कंट्रोल ओनर, हु इज द कंट्रोल रिव्यूअर, व्हाट इज द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इन दिस, एंड वेदर द कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट और नॉट, वेदर दिस कंट्रोल इज एक्चुअली, इसका डिजाइन कंट्रोल चेक कर रहा है बेसिकली. बस ये आपको मोटा मोटी और बोल दिया तो आपका काम हो गया. ठीक है, बोल देंगे ना मेरे हिसाब से, क्या यू विल बी एबल टू से मेरे हिसाब से. नेक्स्ट देखते हैं कुछ. ठीक है तरुण, आपका आप ग्रुप में दे दीजिएगा कुछ होगा तो. ठीक है तरुण ग्रुप है. कंप्लीशन एंड ऑडिट ओपिनियन. ठीक है ये वाला हो गया कंप्लीट. ठीक है ये वाला हो गया ना एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं भाई, ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर करते हैं और ऑपरेटिंग स्टेप्स एंड प्रोसीजर करते हैं. लिख लीजिए ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होता है. ऑडिट एग्जीक्यूशन में कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है. कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लायंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर में बहुत कुछ, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में टीओडी एंड एनालिटिकल रिव्यू. ठीक है टीओडी होता है बेसिकली. ठीक है एनालिटिकल रिव्यू नहीं होता, ये एनालिटिकल हटा सकता है, बेसिकली टीओडी होता है, वर्क पेपर्स बनता है. तो ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, कंप्लीशन में प्लानिंग पता चल गया, व्हाट यू डू इन द प्लानिंग. प्लानिंग में सारा ऐसे लग जाता है, 315, 320, 330. ठीक है एमएलडी वर्क थ्रू वट एवर, ओके साइनिंग डिजाइनिंग नेचर सिग्निफिकेंट अकाउंट देख लिए, कंफर्मेशन ले लिए मैनेजर will become audit. Now in this we will do the field work. इसमें field work करके आप substantive procedure करेगा, work papers बनाएगा सबका. ठीक है last में आता है completion. Completion में लिखिए, group में लिखिए, तो execution में क्या होगा, execution लिख लीजिए क्या होगा, execution में group में लिखते जाइए क्या होगा, execution में क्या करेंगे फटाफट, what will you do in the audit execution. कोई पूछ लेता है, planning हो गया, execution हो गया, completion हो गया, execution में क्या करेंगे, execution what will you do in the audit execution फटाफट. कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव बोलते जाइए, जितना बोलेगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि मुंह से बोला. कंप्लायंस वैभव सिंह बोली, ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, वैभव सिंह, वैभव सिंह यस सर बोली, ऑडिट एग्जीक्यूशन में क्या होगा. इन ऑडिट एग्जीक्यूशन वी परफॉर्म टू प्रोसीजर, फर्स्ट इज एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर एंड सेकेंड इज टेस्ट ऑफ डिटेल. In test of detail, we do vouching and verification. It also compliance procedure, yeah, and compliance substantive. And our work papers banate hai. You prepare work papers or every paper you will prepare with fixed asset, trade receivable, trade payable. Sabka work paper banta hai. Work paper Excel mein banta hai log ka. Excel hi khelta hai log bhi. Excel khelega to har paper banega. आप लोग क्या करते हैं, जब ऑडिट करते हैं तो एक्सेल एक्सेल नहीं बनाएगा, फिक्स्ड एसेट का कोई एक्सेल नहीं बनेगा, जाके ऐसे ही फिक्स्ड एसेट बना के आ गए. ये लोग हर चीज का वर्क पेपर बनाता है, फिक्स्ड एसेट का वर्क पेपर, ट्रेड रिसीवेबल का वर्क पेपर, ट्रेड पेबल का वर्क पेपर, फिर आपका हर हर आइटम का वर्क पेपर बनता है ऑलमोस्ट, रेवेन्यू परचेज और आपका जो भी है ना, ये सारा चीज का वर्क पेपर ही वर्क पेपर बनता है. समझ गए ना, वर्क पेपर कहीं ना कहीं से देख लीजिएगा कैसा लगता है देखने में, वर्क पेपर बनता है बस. और ये वर्क पेपर वाला काम है एग्जीक्यूशन स्टेज में, एग्जीक्यूशन में वर्क पेपर बनाओ और जाके वेरिफिकेशन करो, फिजिकल वेरिफिकेशन, बातचीत करो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, बातचीत करना है, पेपर वर्क है भाई पूरा. ठीक है लिख लीजिए ग्रुप में फटाफट, ऑडिट एग्जीक्यूशन, कंप्लायंस सब्सटेंटिव, प्रिपरेशन ऑफ वर्क पेपर्स ऑफ ऑल द बैलेंस शीट एंड पीएनएल आइटम्स. वर्क पेपर बनाना तो आता ही है सबको ना, वर्क पेपर तो बनाए हैं, आप लोग अपना तरीका से बनाते हैं, विक्टर अपना तरीका से बनाता है, वो लोग सजा के बनाते हैं, आप लोग सजा के नहीं बनाते, बस यही फर्क है. वो लोग जो टीओडी है, आप लोग क्या करता है, टिक मार्क कर देता है, कुछ रिकॉर्ड नहीं करता. वो लोग क्या करेगा, वो लोग है ना 10 इनवॉइस को पकड़ेगा, जो इनवॉइस होगा ना वो सारा डेटा एक्सेल में टाइप करेगा पहले तो. ठीक है और वही चीज को एज पर वो तो हो गया एज पर, और वही चीज एज पर जो टैली होता है ना, टैली सॉफ्टवेयर,
वो टैली वाला भी सॉफ्टवेयर को वो लोग ने एक जगह राइट साइड में कर लेगा, फिर डिफरेंस निकालेगा, डिफरेंस जीरो ही निकलना है। अब हम लोग बोलेगा भाई जीरो ही निकलना है तो वॉक पेपर क्यों बनाया, हम लोग बिग फोर है तो बनाएगा पेपर। पर बात तो एक ही है, आप लोग क्या करते हैं, लोग बनाता नहीं है, सब सही है तो क्यों बनाना है, सही तो बनाना क्यों है, ये लोग सही हो ये गलत हो, वर्क पेपर बनाना जरूरी है। इनवॉइस का जो डेटा रहता है उसको डाल देगा, और जो टैली में डेटा रहता है उसको डाल देगा, और डिफरेंस निकाल देगा। अगर कोई में डिफरेंस आ गया तो उसका नीचे नोट्स बनाएगा फिर बड़ा बड़ा। बात समझ में है ना? और वे लोग सबका नहीं करेगा, उसमें मटेरियल ट्रांजेक्शन का ही वो करेगा, सारा सैम्पलिंग नहीं करेगा, उसमें से मटेरियल ले लेगा बस। तो प्रोसेस तो एक ही है, वर्क पेपर में कुछ खासियत नहीं होता है। वर्क पेपर बहुत कुछ खास है, वर्क पेपर में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। आप लोग इतना खाली डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बढ़ जाता है, बस वही चीज है। ठीक है, तो ऑडिट तो आप लोग भी किया ही है, एग्जीक्यूशन तो किया ही है, एग्जीक्यूशन सब करता है, जाके करता है ना, जो वो सब एग्जीक्यूशन का काम है, जाके वाउचिंग वेरिफिकेशन जो भी करता है, बातचीत करते हैं जो भी है, तो दैट इज ऑल एग्जीक्यूशन। ठीक है, कुछ बोलना है सर तरुण, वो बोलिए। ना, वो सर इनवॉइस नंबर दे देते हैं क्लाइंट्स को सिलेक्ट करके सैंपल बेसिस पे, फिर उनसे सारे डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ पीआर से लेके पीओ, फिर कोटेशन कंपैरिजन सब ले लेते हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट उन इनवॉइस नंबर से, फिर वो हाँ अपने डेटा में फील्ड कर देते हैं सिस्टम में, फिर उसका ठीक निकालते हैं डिफरेंस है, या ठीक है। हाँ यही करते हैं बस। खाली आपको एक चीज याद रखना, जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है वो प्लानिंग में हो जाता है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर आप है ना प्लानिंग में कर लेते हैं, इसमें खाली आप वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करेगा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो हम बोला है ना, इसमें इसके अंदर एग्जीक्यूशन में आपका एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं होता, वो प्लानिंग में होता है, प्लानिंग में करके लोग को कर लेते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस में नहीं होता। पर अगर आपको पूछा सबस्टेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, सबस्टेंटिव में टीओडी और एपी दोनों आता है, याद रखना टीओडी और एपी दोनों आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि अगर कंट्रोल वीक है तो क्या होगा, ये आपका टीओडी बढ़ जाएगा, टीओडी एंड वाउचिंग वेरिफिकेशन ये सब बढ़ जाएगा, और ये सब बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अब आता है कंप्लीशन का, कंप्लीशन बहुत ईजी, आप लोग सब जन किए कंप्लीशन, वेरी इजी। इसमें क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन गलती निकालेगा आप जाके अपना सीनियर को दिखाता है, वही ऑडिटर को दिखाया है, ऑब्जर्व कमिंग ऑडिटर फ्रॉम टीओडी एंड टीओसी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट। फिर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट अगर बिलो मटीरियल है, परफॉर्मेंस मटीरियल अगर छोड़ते हैं, अगर कुछ बिलो कोई मटीरियल लेवल स्टैंडर्ड बना के रखा है, तो ऑडिटर विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेक द चेंजेस, इफ दे डू नॉट मेक देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड ऑडिटर, या फिर डू नॉट, इफ द ऑडिटर विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेंशन दिस इन द एमआरएल इन द समरी ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट। मतलब अगर बिलो पीएम है, अगर बिलो पीएम है तो विल आस्क द मैनेजमेंट टू मेंशन दिस इन द एमआरएल इन द समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अब इट इज मोर देन दैट, अगर अबव पीएम होगा तो हम लोग उसको वो करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा कोई के लिए। एमआरएल क्या होता है, पर लेना एमआरएल ऐसे 380, इफ द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज अबव पीएम देन अगेन विल आस्क द कैंडिडेट टू मेक द करेक्शन, इफ दे डोंट मेक द करेक्शन देन ऑडिटर कैन पास द क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो नया नया आएगा, पर ये चीज बहुत जरूरी है। पीएम बोल के चीज होता है, अगर तुम्हारा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अबव पीएम जाएगा, तुम ऑडिटर क्लाइंट को बोलेगा टू मेक द करेक्शन, अगर करेक्शन नहीं करा, इफ दे डोंट करेक्ट देन दे विल पास द क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। पर अगर बिलो पीएम है तो अगर वो तो हम लोग कुछ नहीं करेगा, हम लोग बोलेगा एमआरएल में लिख दीजिए बस, यही है। बिलो पीएम है तो हम लोग माथा नहीं लगाएंगे, हम लोग एमआरएल ले लेंगे और समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बट अबव पीएम है उसको बोलेंगे पहले चेंज करके दे, वो अगर चेंज करके नहीं देगा, इफ दे डोंट चेंज मेक द करेक्शन देन वी विल पास द ओपिनियन। गॉट माई पॉइंट ना? ये वाला चीज समझ में आ गया ना, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अगर कोई पूछा हाउ डू यू हैंडल द मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द वाउचिंग, तो क्या होगा, वंशिका बोलिए क्या होगा, वंशिका मिस स्टेटमेंट्स का कैसे हैंडल करोगे? सर वही बोलना है ना, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो पीएम से ऊपर है एंड वो पीएम से नीचे है। तो बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, अच्छा से बोलिए। हाँ इफ वी आइडेंटिफाई द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड इफ दे आर अबव परफॉर्मेंस मटेरियलिटी देन वी विल क्वालिफाई द ओपिनियन। सॉरी, फर्स्ट वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, बट इफ दे डोंट देन वी विल क्वालिफाई द ओपिनियन। एंड इफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर बिलो द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल देन वी विल आस्क द मैनेजमेंट टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। इफ दे डोंट वी विल आस्क फॉर द एम आर एल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर सो दैट दे कैन गिव इन राइटिंग द समरी ऑफ द ऑल द अनकरेक्टेड मिस्टेक। वेरी गुड वेरी गुड, यही है। ठीक है सताक्षी बोलिए, गॉट इट ना सताक्षी? जो चीज नहीं आएगा समझ में एक बार पूछ लीजिएगा मेरे को, कि आई एम नॉट एबल टू वंस रिपीट दिस, विल अगेन एक्सप्लेन, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ सताक्षी बोलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क, हाउ डू हैंडल मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग ऑडिट। हाँ बोलिए।
if there is a uncorrected missing statement which is above the performance materiality level, then we have asked the client to correct these missing statements, and if they do not correct the missing statements, then we qualify the auditor's opinion. Qualified opinion. If the uncorrected missing statements is below the materiality level, then we ask to correct these statements. If they do not correct these statements, then we show in the फ्यूचर में हम मेरे ऊपर में कोई वो नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, तो समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तब आप लोग उसमें एमआरएल भी ले लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी टाइम दिस इज आस्क्ड, ओके, तो मेक श्योर दैट ये आंसर एकदम सही हो. ठीक है, वैभव सिंह, ठीक है ना, ये वाला चीज गड़बड़ नहीं होगा ना क्या वैभव जी? यस सर, यस सर, गड़बड़ नहीं होना चाहिए एकदम भी. ओके, एमआरएल तो इजी है. ओके, फाइनेंशियल, अब इसमें बेसिकली करेंगे क्या, इसमें अपना कंप्लीशन में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेके अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, एमआरएल, इनडेस कंप्लायंस, कारो कंप्लायंस, कारो रिपोर्टिंग होगा, प्लीज याद रखना, जब कंप्लीशन का टाइम होगा तो कारो रिपोर्टिंग होगा, कारो रिपोर्टिंग, गोइंग कंसर्न चेक होता है, रिव्यू होगा, काम आपका रिव्यू करेगा जो भी आपका है, फिर अगेन एनालिटिकल रिव्यू होगा, ये सब छोटा छोटा चीज याद रहेगा, कारो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, ऑडिट रिव्यू होगा, फिर आपका फाइनेंशियल्स भी तो फाइनलाइज होगा, साइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द ऑडिटर, ये सब चीज होगा, आईको पर टेस्टिंग होगा, साइन ऑफ बाय द पार्टनर होगा, ठीक है, ये सब भी चीज है. बोल पाएगा ये क्या क्या चीज होगा, बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसका डिस्कशन होगा मैनेजमेंट के साथ, सीनियर के साथ, आपका कोई भी मिसस्टेटमेंट बिलो है अबव इसका ऊपर में ओपिनियन पास होगा या एमआरएल में जाएगा, एमआरएल ले लेंगे, सब चीज का एमआरएल भी लेना पड़ेगा कंप्लीशन का टाइम में हम लोगों, और फिर हम लोग कंप्लायंस भी देख लेंगे, कारो का कंप्लायंस, कारो रिपोर्ट, कारो 2020, शेड्यूल 3 बनेगा, कारो बनेगा, कॉइन कंसर्न, ये सब चीज है, और रिव्यू रहेगा, फाइनेंसिस होगा, बस इजी है एकदम, ज्यादा 3-4 पॉइंट बोलते हैं तो ले लेगा. ओके, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. ओके मयूर, आप लिसन कर रहे हो मयूर? Are you paying attention, Mayur? Not paying attention. Mayur? Mayur नहीं कर रहे, ठीक है. राघवेंदर, राघवेंदर बोलिए. कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर होगा? हाँ, कंप्लीशन फेज वी हैव विल वी विल नोटिफाई आवर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टियर फैसिलिटीज टू द पार्टनर एंड आफ्टर दैट where our observation or uncorrected statement is or below the performance materiality, we will communicate this misstatement to the client and ask them to correct the same. If they didn't correct, then we will ask to state the same in the MRL in an uncorrected summary of uncorrected statement. And when the uncorrected misstatements are more than or above performance materiality, then we will ask the client to correct the misstatement. And when the client denies to correct the same, and we will pass our qualified or adverse opinion on the same. And after that, we will check for Indian compliance and CARO compliance. Also, they review the our working paper will get reviewed and do the signing of the balances and other notes to accounts by the board of the directors and signing off by the partner. ठीक है, तो ग्रुप में लिखते जाएगा. कंप्लीशन में क्या होगा? कंप्लीशन में एक तो कारो बनेगा, शेड्यूल 3 बनेगा, कारो शेड्यूल 3 ऑडिट रिपोर्ट, कारो शेड्यूल 3 ऑडिट रिपोर्ट, राइट, कारो शेड्यूल 3 ऑडिट रिपोर्ट, फाइनलाइजेशन होगा. एक सेकेंड रुकेगा, एक स्टार है, ठीक है. तो क्या क्या चीज होगा? कारो शेड्यूल 3 ऑडिट रिपोर्ट होगा, बनेगा, और फाइनलाइज होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो फाइनलाइज होगा, चेक होगा एक एक चीज, फिगर्स चेक होगा लास्ट में, तो ईच एंड एवरी फिगर्स इन फाइनल नोट्स टू अकाउंट बनेगा, दिस आर द थिंग्स ऑडिटर वेरीफाई करेगा, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर द्वारा, बोथ ऑफ देम विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड द फाइनेंशियल्स भी तो साइन होता है ना, तो दीज आर द थिंग्स होगा. और क्या होगा? ये इजी है, कंप्लीशन बोल पाएगा, और
कारो ऑडिट रिपोर्ट शेड्यूल थ्री जो पढ़ना भी चाहिए, जो पढ़ते नहीं है कोई भी, कारो शेड्यूल थ्री ऑडिट रिपोर्ट, फाइनलाइज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट बाय द एंड देन ऑडिटर, ऑडिट मैनेजर विल साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर विल साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट होगा, दिस आर द थिंग्स होगा, ऑडिट रिपोर्ट होगा और क्या होगा, ग्रुप में लिखिए ये सब चीज, ग्रुप में लिख दीजिए कंप्लीशन में क्या क्या चीज होगा, इसे याद रहेगा, ग्रुप में लिखते जाइए हाँ, उसका मैसेज आते हैं। एक सेकेंड ये ग्रुप में फटाफट लिखिए आप लोग हाँ, ठीक है जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए आप लोग हाँ। एक सेकेंड ना ग्रुप में लिखिए, तो आया रात रात को क्यों इंक्वायरी करता है, आई सॉ योर यूट्यूब वीडियो, ये समझ भी नहीं आता, सुबह नहीं करता कभी ठीक है, ग्रुप में लिखिए कंप्लीशन अच्छा से लिखिए, कंप्लीशन बोल के लिखिए ठीक है, कंप्लीशन में क्या क्या होगा, कंप्लीशन बोल के लिखिए, कंप्लीशन डैश कंप्लीशन लिखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कंप्लीशन डैश कंप्लीशन में क्या क्या प्रोसीजर होता है, कंप्लीशन में क्या क्या होता है, कारो शेड्यूल थ्री ऑडिट रिपोर्ट, कारो बनता है ना, कारो शेड्यूल थ्री ऑडिट रिपोर्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, फाइनलाइज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट बनेगा और फिर साइन होगा, फाइनेंशियल भी तो साइन होगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन होगा ठीक है, टैक्स ऑडिट है तो 3CV 3CD भी जाएगा राइट, तो दिस आर द थिंग्स आपको बोलना पड़ेगा उसमें ठीक है, ग्रुप में अच्छा से लिखिए मैसेजेस को, और ऑडिट एग्जीक्यूशन में तो ऑडिट वर्क पेपर्स बनता है, और ऑडिट प्लानिंग तो प्लानिंग है, LOI बनता है, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन लेगा राइट, एनालिटिकल प्रोसीजर 315 320 330 है, 315 300 मेटरलिटी, 315 रिक्स असेसमेंट, 320 मेटरलिटी, 330 रेस्पॉन्स, वो सभी होता है, वो सभी है बेसिकली ओके ठीक है, वैसे करके निकल जाता हूँ, ये तीन स्टेजेस याद रखिएगा ऑडिट का, आपको पूछेगा ऑडिट का स्टेजेस बताइए, तो तीन स्टेज होता है ऑडिट का, क्या क्या होता है ऑडिट स्टेजेस पूछता ही है, लिख लीजिए आदमी को समझ में नहीं आएगा ऑडिट स्टेज का क्या मतलब हो गया, ऑडिट स्टेजेस थ्री स्टेजेस, प्लानिंग कंप्लीशन एंड नहीं प्लानिंग एग्जीक्यूशन कंप्लीशन, लिख लीजिए ऑडिट स्टेजेस, लिख लीजिए ऑडिट का स्टेजेस क्या क्या होता है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन कंप्लीशन, प्लानिंग में क्या क्या करता है अपना, व्हाट वी डू इन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करते एंटी टेनिस हैं, एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग 315 मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस तीन सौ एंड द पंद्रह एनवायरनमेंट, तीन सौ इंटरनल बीस कंट्रोल, रिक्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो सभी है ना, रैप रिक्स लेटर ऑफ असेसमेंट एंगेजमेंट प्रोसीजर, मैटरलिटी इंडिपेंडेंस 320 मटेरिटी मैटरलिटी विल फाइंड बुक आउट द मैटरलिटी, एनालिटिकल रिव्यू, सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड सब है उधर, मैं एनालिटिकल रिव्यू विल डू, बस ये सब चीज करेंगे, इंडिपेंडेंस और कंफर्मेशन बिजनेस के बारे में इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन कंफर्मेशन लेटर ऑफ ले लेंगे एंगेजमेंट हाँ, लेटर ऑफ एंगेजमेंट कंफर्मेशन ले किक लेंगे, ऑफ मीटिंग किक ऑफ मीटिंग होगा, बातचीत किक करेंगे कब तक ऑडिट कंप्लीट होगा, किसको दे, मयंक को सेल्स देते हैं, किसको डिटरमिनेशन ऑफ पढ़ते हैं, मटेरियलिटी तो यूपी सर डिसाइड होगा अनपब्लिश मटेरियलिटी पर्सेंसिटिव इंफॉर्मेशन परचेज देना है करेंगे किसको सेल देना है, देखिए वहां पर मैं इंडिपेंडेंस याद रिक्वायरमेंट रखिएगा बिग फोर में क्या होता है ना, मैं हम लोग को बता देता है CFM में क्या होता है, जब प्लानिंग होता है तो क्या होता है, प्लानिंग होता है तो भाई किसी को कुछ भी काम दे देता है, बिग फोर में पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा बिग फोर में डॉक्यूमेंट होता है, मयंक को सेल्स दे रहा है, वंशिका को परचेज दे रहा है, चतुर्वीर को दे रहा है पर लोन्स एंड एडवांसेस, पूरा एकदम बातचीत पहले रेडी हो जाएगा वहां पर में, कि लास्ट टाइम चतुर्वीर लोन्स एडवांस किया तो लोन्स एडवांस यही करेगा, अभी जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आप भी कुछ भी अगर गड़बड़ मिलेगा तो चतुर्वीर को पकड़ेगा लोन्स एंड एडवांस में, ये सब प्लानिंग में ही हो जाता है, बाद में आके नहीं है नहीं अभी ना चतुर बोलेगा नहीं, पूरा मेल आता है पता है, मेल होता है मैनेजर मेल करेगा कि चतुर विल हैंडल दिस, वंशिका विल हैंडल परचेस, दिस विल हैंडल दिस, आप अप्रूव करेगा कंफर्मेशन लेगा पहले तो, करने से पहले कंफर्मेशन दैट यू आर इंडिपेंडेंट नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, और उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन आने के बाद बोलेगा मैनेजर आपको मेल करेगा, मैनेजर विल मेल द तरुण दैट यू आर इन्वाइटेड टू, आर इन्वाइट नहीं करेगा तरुण, यू आर नाउ द पार्ट ऑफ आवर रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप एंड यू विल नाउ डू दी ऑडिट ओके एंड वी विल हैव द किक ऑफ मीटिंग, पहले क्या होता है ना एक्चुअली होता क्या है, आपको खाली मैनेजर का कॉल आएगा
और मैनेजर का कॉल आके आपको मेल भी आएगा, कॉल आएगा और मेल आएगा, कॉल आएगा बोलेगा आपको मेल आया, आप मेल चेक करिएगा, आपको ये क्लाइंट अलॉट किया गया है, आपको एक अलग से बिग फोर का कोई आदमी कॉल करेगा, मैनेजर आपका सो एंड सो पर्सन है, मैनेजर को कॉल करिए, मैनेजर है चतुर्वीर, आपको कॉल आएगा जैसे कोई एचआर टाइप का कॉल आएगा, अर्चना जैसे है, अर्चना को कॉल करेगी तरुण को, बोलेगी आपको क्लाइंट अलॉट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और आपका मैनेजर है चतुर्वीर, अब आप चतुर्वीर को फोन करिए, आप करेगा डर डर के फोन मैनेजर को, और मैनेजर बोलेगा अब तुमको मेल किया है तो हम लोग कल किक ऑफ मीटिंग कर रहे हैं, तो किक ऑफ मीटिंग करके अपना वी विल डिस्कस दिस, तो किक ऑफ मीटिंग में फिर लोग सब जन आ जाएगा, फिर वो बताएगा, फिर जो मैनेजर होगा या जो सीनियर मैनेजर है, जस्ट डिस्कस अबाउट द, यू जस्ट डिस्कस की दिस इज द बिजनेस, दिस इज न्यू क्लाइंट, ओके ये बिजनेस का ये रेवेन्यू है, ये है, तो अभी आर्टिकल है, कोई सीनियर मैनेजर है तो तुमको ये संभालना है, तुमको ये संभालना है, आर्टिकल तुम देखते रहना बस ऐसे करके, तुम संभालते रहना, तुम स्टेपलर पिन पास करते ये वाला काम तुम्हारा, ये काम है, तुम बस देखते रहो, कुछ नहीं है, तो ये वाला काम पहले डिसाइड हो जाता है, और फिर लोग ऑडिट में जाएगा, फील्ड वर्क निक्स को जाना, ये सब चीज पहले डिसाइड है, तो ये प्लानिंग का पार्ट है, ऊपर में प्लानिंग हो रहा है ना, और एनालिटिकल रिव्यू और मेटरिलिटी ये सब मैनेजर ही कर लेता है, वो नीचे तक जाता ही नहीं है, वो मैनेजर अपना पार्टनर के साथ मिलकर कर लेगा, थोड़ा बहुत एएम लेवल का जो आदमी है उसको लगाएगा एएम करने के लिए कि अपना मेटरिलिटी थोड़ा कर लेता है, और नीचे वाला आदमी को कल एरियाज दे देता है, जैसे जो सीए बन के जाता है उसको एरिया देगा, उसको एग्जीक्यूशन वाला काम देगा, और एक साल कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर वो बिग फोर का आर्टिकल है तो उसको प्लानिंग पकड़ा देगा कि तुम तो बहुत पेपर बना लिया तो तू प्लानिंग ही कर ले, उसको प्लानिंग का हिस्सा दे देगा, पर जो एकदम सीए बन के जाएगा उधर में उसको एग्जीक्यूशन का काम देगा, उसको बोलेगा तुम सेल का पेपर ले, स्टेट ऑडिट का पेपर, यू टेक द पेपर ऑफ परचेजेस, यू टेक पेपर ऑफ दिस, पेपर वर्क करवाएगा, मतलब उसका पेपर बनवाएगा पूरा, वो वाला फील्ड वर्क होगा आपका, मतलब एग्जीक्यूशन का काम आपका रहेगा, और जो एकदम असिस्टेंट मैनेजर होगा उसको प्लानिंग करना पड़ेगा और उसको क्लोज करना पड़ेगा, प्लानिंग एंड कंप्लीशन, मतलब उसको कारो रिपोर्ट, डिलीवरेबल्स, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज कराना, ऑडिटर से रिव्यू कराना, वो करेगा सीए बन के एक साल होने के बाद, जब वो एम लेवल तक पहुंचेगा असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर अगर केपीएमजी देख टाइप हो वहां पर में, वो उस तरीके का होता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है सीए बनने के बाद, सीए कोई कोई दमदम ज्यादा चलाक दिखता है तो उसको वो लोग बोलता है कि तुमने किया है अच्छा ऑडिट, हाँ मैंने किया है, तो उसको बोलता है ठीक है तुमको प्लानिंग का भी हम हिस्सा देगा, प्लानिंग में भी हिस्सा थोड़ा देता है और थोड़ा बहुत आपको कंप्लीशन में भी हिस्सा देता है, नहीं तो स्टार्टिंग में पेपर बनवाएगा आपसे, तो ये मोटा मोटी समझ में आ गया ना, ये चीज बता पाएगी ना वहां पर मैं, ये आप बता देंगे तो आपको हो जाएगा वहां पर, और आपको बोलना है हमने सारा काम किया है सीएफ, हमने प्लानिंग भी किया है थोड़ा बहुत, मेटरिलिटी एकदम पीएम टीएम नहीं निकाला, पर अपना हिसाब से हम लोग निकाला है, मेटरिलिटी किया है, गॉट इट ना, मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया ये चीज, आप कॉन्सेप्ट गया ना दिमाग में, द कॉन्सेप्ट हैज गॉन इन टू द हेड राइट, कि व्हाट इज व्हाई द प्लानिंग इज डन देन द एग्जीक्यूशन एंड लास्ट द कंप्लीशन, इससे सिंपल कोई नहीं समझा सकते, ठीक है, दिस वॉज वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड प्लानिंग कंप्लीशन एंड एग्जीक्यूशन, फील भी आया ना, फील आया ना लास्ट में कि तरुण को फोन आया, एक एचआर का कॉल आया और उसको बोला तुमको क्लाइंट अलॉट हुआ है, तुम्हारा मैनेजर है चतुर्वीर, और वो मैंने तरुण अभी चतुर्वीर को कॉल करेगा, चतुर्वीर बोलेगा कि कल अपना किक ऑफ मीटिंग है, पहला दिन का किक ऑफ मीटिंग बोलता है, इन द किक ऑफ मीटिंग वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस एंड ऑडिट कितना दिन में कंप्लीट होगा, फिर जो वो ऑडिट का हो जाता है ना उसके पार्टनर को ईमेल जाएगा, उससे पहले भी एक चीज और होगा, आपको बोलेगा जो अर्चना है आपको फोन करके तरुण को बोलेगी इंडिपेंडेंस कंप्लाइंस आप कर लीजिएगा, किक ऑफ मीटिंग से बैठने से पहले इंडिपेंडेंस करना पड़ता है, पहले इंडिपेंडेंस डे कर लो अपना किक ऑफ में बैठने से पहले, किक ऑफ के बाद नहीं, तो किक ऑफ से पहले इंडिपेंडेंस होके फिर वो किक ऑफ में बातचीत हो गया, फिर पता चल जाता है ओके ये संभालेगा ये संभालेगा ये संभालेगा, वंस दैट इज डन ना वो जाएगा मेल पार्टनर को कि वी हैव फाइनलाइज्ड आवर टीम, दिस इज द टीम, ऐसे ही एक्चुअली देखा जाए तो सीएफएम में वैसे ही होता है, पर सीएफएम में डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं होता है, सीएफएम में डॉक्यूमेंटेशन का खेला नहीं है, पर मैं डॉक्यूमेंट बना के मेल करके दिस द प्रोसेस यहाँ पर मैं फॉलो होता है, गॉट माय पॉइंट ना, गॉट माय पॉइंट, दो कौन बताएगा ये वाला पॉइंट, आई थिंक चतुर्वीर आप बताइए चतुर्वीर, फील आया ना, फील आ गया ना, अब याद हो गया एकदम ना कि कैसे होता है, अब रटना नहीं पड़ेगा जिस चीज पे, चतुर्वीर बताइए, हाँ और ऐसे देखना होगा भी ऐसे ही होगा सीनियर को पूछेगा, ओके चतुर्वीर बोलिए, हाँ हाँ जी ऐसे भी इसमें देयर आर थ्री स्टेजेस इन द ऑडिट, फर्स्ट इज प्लानिंग एंड देन एग्जीक्यूशन एंड देन कंप्लीशन, एंड इन एग्जीक्यूशन स्टेज प्लानिंग, तो प्लानिंग में क्या होगा डिटेल सॉरी मतलब पूरी डिटेल में बतानी है हमने जो पढ़ा है या जो आपने अभी बताया एग्जांपल देके वो बताना है, वो बता दीजिए एग्जांपल देके बता दीजिए, एग्जांपल देके मतलब जैसे प्रोसेस होता है कि
पहले एक इंग्लिश एचआर का में काइंड ऑफ कॉल इंग्लिश आएगा. इन ओके ओके इंग्लिश ओके इन ओके इंग्लिश ओके हाँ ओके सर. सो फर्स्ट अ पर्सन फ्रॉम एचआर देयर विल बी कॉल्ड टू अ फ्रेशर फ्रेशर जॉइनी दैट द यू दैट यू आर अपॉइंटेड ऑन अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑडिट एंड now you have to call to your manager. Then the manager will ask them to be on the meeting, which will be kickoff meeting. And before that, you have to done your independence form, failure independent. independence form. You are not holding any shares of the company and all that stuffs. Huh. Yes. Then kickoff. And after that, Microsoft. Then in the kickoff meeting, they will. Yes. Then in the kickoff meeting, they will segregate. different different parts to the different different items to the video on different रखना different पड़ता है different video on रखने से पूरा गुस्सा लोग हो जाता है पूरा on रखना पड़ता है on yeah okay 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 जी नहीं तो 6 महीना पहला probation का 6 महीना video on रखिएगा नहीं तो गया आपका probation cancel extend हो गया probation okay next so then we for example, I have pointed to a particular item that is, for example, you give an example of loans and advances. So I will prepare the working papers of loans and advances and submit to the our manager or whoever I am reporting to, na. So then they will. पेपर असिस्टेंट मैनेजर चेक करेगा सी एफ रेसर का असिस्टेंट मैनेजर सबसे चेक कराता है वो मैनेजर सीनियर मैनेजर वो एक्चुअली है पूरा असिस्टेंट मैनेजर असली है डायरेक्टर ओके पार्टनर विल टेल टू मैनेजर मैनेजर विल टेल असिस्टेंट मैनेजर मतलब अगर सी एफ रेसर भी गलती करेगा आर्टिकल भी गलती करेगा तो असिस्टेंट मैनेजर इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजिशन एक्चुअली क्योंकि उसको है ऑलरेडी 2 साल हो गए उसको ऑलरेडी सब कुछ पता है तो उसको बहुत टफ पोजिशन में है एग्जीक्यूशन करवाना है उसको पूरा वाइस कैप्टन है पूरा वो देखो देखो ठीक है तो यही है और कंप्लीशन में भी वो असिस्टेंट मैनेजर ही काम करता है मैनेजर बेसिकली क्या है कि वो देख रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर वो लोग उसका हो रहा है ना कोई दिक्कत नहीं आ रहा है कोई सी एफ रेजर टाइम तो नहीं लगा रहा है ज्यादा काम करने में कोई मतलब धीरे धीरे काम कर रहे हैं काम ही नहीं कर रहा है ये कोई आर्टिकल काम नहीं कर रहा है तो बस वो थोड़ा उसको बोल देगा कि क्या हो रहा है काम क्यों नहीं हो रहा है बस वही है वो बस और वो क्लाइंट अगर क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा तो मैनेजर मैनेजर भी बीच में आके क्लाइंट से डेटा लेने में भी हेल्प करवाता है बस वो बेसिकली वो है कि वो है बस और असिस्टेंट मैनेजर है जो कि वही करवाना है उसको काम कैसे भी करके गलती हो गया तो गया बस तो वो खाएगा बस ये भी है और मैं उसके बाद कौन है आपका डायरेक्टर वो लोग बस रिव्यू करेगा वो लोग लास्ट में वो लोग खाली स्टेटस पूछते रहेगा मैनेजर को यहाँ पर एक चीज है डायरेक्टर में से मैनेजर को पीछा पड़ेगा मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का पीछा पड़ेगा और असिस्टेंट मैनेजर सी एफ फ्रेशर का पीछा पड़ेगा कभी भी ऐसा नहीं होगा सी एफ फ्रेशर को पार्टनर कॉल करके तंग कर अगर ऐसा उसका स्टेज आ गया तो मुश्किल हो गया उसका ऐसा नहीं आना चाहिए आपका स्टेज में कि आपका पार्टनर अगर कोई बीच में आ गया ना या डायरेक्टर आपका आ जाता आपका तो वो प्रॉब्लम देते हैं इवन फैक्ट अगर मैनेजर भी आ गया तो आप आपको समझ जाना ना खेला आपका ऑफर में तो दिस इज है तो आपका एक हायरार्की मेंटेन रहेगा आपका ऑलवेज ठीक है कमिंग टू द सेम लिंक का क्लियर हुआ पड़े ना चीज ठीक है सेम लिंक का देगा